CPJ Academy. Hello students, I hope you all are doing well. See, अभी तक आपने सब कुछ एनिमल किंगडम के बारे में देखा है कि एनिमल किंगडम में लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिलिन्स एंड सो ऑन, ये सब कुछ आता है, ठीक है. उसके बाद आपने इनकी क्लासेस, फाइलम लाइक रेप्टिलिया, मेमेलियाना ऑल सब पढ़ा. बट नाउ इन दिस लेक्चर यू विल गोना लर्न अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी पूरी बॉडी सिर्फ चार टिश्यूज से बनी है तो बहुत अमेजिंग सी चीज लगेगी तुम, बट दैट्स द फैक्ट कि जो आपकी बॉडी है वो चार टिश्यूज से ही बनी है. सो नाउ इन दिस लेक्चर यू विल गेट एन आइडिया कि वो कौन कौन से टिश्यूज हैं, बिकॉज इन दिस चैप्टर यू विल गोना यू नो कंप्लीट आइडिया ऑफ द एनिमल टिश्यूज. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो यस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन दैट चैप्टर यू विल हैव आइडिया लाइक टिश्यूज क्या है. तो जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आती है कि टिश्यू होते क्या है, लाइक व्हाट इज टिश्यू. सी टिश्यू, एज यू नो, अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पहले क्या आते हैं, आपके सेल्स आते हैं. सेल्स से आपके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल होता है, दैट इज टिश्यू. ओके, तो आप इस चैप्टर में तो आप पढ़ेंगे ये, बट लेट्स अनदर थिंग, लाइक टिश्यूज के बाद आपके ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम आता है, एंड देन इन लास्ट दैट इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स यू, प्लांट और एनिमल. ओके, सो लेट्स यू नो स्टार्ट दिस थिंग, दैट इज टिश्यू. सी टिश्यूज जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ओके, हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स कि आप जिस भी टिश्यू की बात कर रहे हैं उसका ओरिजिन पॉइंट सेम है, ठीक है. एम्ब्रियो के बाद जो उसमें लेयर्स है, जो जर्म लेयर्स होती है, वो उनका सेम है, दैट इज समवट यू कैन से द ओरिजिन इज सेम. सी इट्स समथिंग यू कैन से ग्रुप ऑफ सेल्स एज अ यू नो लाइक सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज देयर. ओके, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेल्युलर, लेट्स से दीज, this is the somewhat you can say intercellular matrix, that means a substance that is present there. Okay, so that intercellular matrix, this is a group of cells. Okay, and more important thing, okay, that these group of cells will gonna perform a specific function. Okay, so that's what you call a tissue. Clear? नाउ अब देखो, फर्स्ट आपको जो इसकी डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई कि ओके स्पेसिफिक फंक्शन है, ओरिजिन है और ग्रुप ऑफ सेल्स है. नाउ द थिंग इज, किसने ये टर्म कॉइन की, हु कॉइन दैट टर्म. सो दैट टिश्यू टर्म वॉज कॉइन बाय केट, ओके, इन 1801. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक यू नो हु कॉइन द टर्म टिश्यू, सो यू मस्ट नो दैट. So let's discuss now the different tissues that we have. See, जब भी आप tissues की बात करते हैं तो आपको दो जो चीजें हैं mind में रखनी है. First, covering, okay, let me this covering. Okay, and second thing is lining. इन दोनों चीजों में ही आपके tissues involved हैं. See, covering is something like जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब आपकी जो भी covering है वो आपकी सारी epithelial tissues involved है उसमें, ठीक है. और जो भी लाइनिंग लेट्स से आपके स्टमक की बात अगर हम करते हैं, तो स्टमक की जो वॉल है जो आपको विजिबल नहीं है ऐसे, ठीक है, तो दैट इज समवट यू कैन से लाइनिंग. वहां पर भी टिश्यू इन्वॉल्व है, वहां पर आपके बेसिकली टिश्यूज इन्वॉल्व है, करेक्ट. तो एक तो आपकी कवरिंग में इन्वॉल्व है, कनेक्टिंग, जो कनेक्ट करके रखेगा, जिससे ब्लड है, जिसने आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा, ठीक है. देन मस्कुलर, मस्कुलर एज यू नो, मस्कुलर मीन्स जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है वो आपके मस्कुलर टिश्यूज होंगे. और न्यूरल टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज कौन से हैं, जो इन सबको कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, जो एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर, जब आई मीन यू नो जिन्होंने इन सब टिश्यूज को कनेक्ट कर रखा है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कनेक्ट के लिए कनेक्टिव टिश्यू और कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल टिश्यूज इन्वॉल्व है. सो इन नटशेल लाइक दिस न्यूरल टिश्यू इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन, वाइल दिस कनेक्टिव इज कनेक्टिविटी यू कैन से. अब बात करते हैं ओरिजिन की. सी जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल, लेट मी राइट दिस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टोडर्मल दैट मीन्स जो आपकी अबाउट ऊपर वाली स्किन है, अपर स्किन है, ठीक है,
द मीजोडर्मा, जो अगर आप इसका ओरिजिन देखते हैं तो सेकेंड वन इज मीजोडर्मा एंड थर्ड वन वी आर हैविंग इज द एंडोडर्मा. तो आपका जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आप बोल सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियल का कनेक्टिव एंड मस्कुलर दोनों का ही क्या है, यस, इसका है मीजोडर्मल ओरिजिन. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन योर एग्जाम यू मे गेट दैट क्वेश्चन कि इन सब में किसी का भी वो आपको एग्जाम्पल दे देंगे, लाइक वो आपको मस्कुलर टिश्यू का पूछेंगे या एपिथेलियल का पूछेंगे इनका ओरिजिन क्या है. सो यू मस्ट नो. ओके, सो कनेक्टिव एंड मस्कुलर का मीजोडर्मल है और न्यूरल टिश्यू का जो है वो आपका है एक्टोडर्मल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सी जब आपको पता है अभी मैंने अभी आपको लेवल यू नो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया जिसमें आपका सेल्यूलर लेवल आता है जो बड़ा यू नो लाइटेस्ट वन आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वन जो है. उसके बाद आपका आता है जो सेकेंड लेवल होता है दैट इज टिश्यू लेवल. सेल्यूलर लेवल पे आपको पता है दैट इज पॉलीफेरा. एंड टिश्यू लेवल जो है आपका स्टार्ट कौन से लेवल से होता है, जो सेकंड लेवल है टिश्यू उसमें कौन सा फर्स्ट आपका फाइलम इंक्लूड है दैट इज सीलेंट्रेटा. दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर. सो एनिमल टिश्यूज में जो फाइलम है जो इन्वॉल्व है टिश्यू में, ठीक है, जो फर्स्ट फाइलम है जिसमें टिश्यू ऑब्जर्व किया गया दैट वॉज सीलेंट्रेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट टिश्यू दैट इज यू नो दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. ओके, और यू कैन से एपिथेलियम. सी जहां पर भी आप प्रीफिक्स देखते हैं ना एपी, दैट मींस अपर सरफेस और द अबव यू कैन से. ओके, और अपर सरफेस यू कैन से लाइक दिस स्किन यू कैन सी कि दिस इज दैट्स जो आई मीन जो ये स्किन है इट्स बेसिकली एपिथेलियल काइंड ऑफ टिश्यू. ओके, सो अगर आप एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं सो बेसिकली इट हैज अ फ्री सरफेस. ओके, सबसे पहली बात मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस लेक्चर के कि कवरिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. सो इट हैज अ फ्री सरफेसेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है. ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को ही फेस कर रहे हैं, एज यू कैन सी योर दिस स्किन योर हैंड स्किन एवरीथिंग. सो दैट कवर्स और लाइन्स बॉडी और बॉडी पार्ट्स. ओके, स्टमक की जो वॉल पे होगी दैट मे बी एपिथेलियल टिश्यू टू. ओके, सो ये कवर क्या करते हैं आपकी, एक तो कवरिंग में और लाइंस जो आपकी बॉडी वॉल की बॉडी पार्ट्स की उसमें इन्वॉल्व है. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली. नाउ जो इसमें सेल्स एज यू कैन सी दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. कॉम्पैक्टली मीन्स टाइटली पैक्ड है, ठीक है, विद लिटिल इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स एज यू कैन सी इन दैट स्ट्रक्चर. सी इनके बहुत सारे टाइप्स है, आई विल गोना टेल यू दोज टाइप्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स. बट आप अभी इस पॉइंट पे आपको दो चीजें याद रखनी है और समझनी भी है कि फर्स्ट थिंग क्या है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, एज यू नो एज यू कैन सी कि कितने बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, कि स्पेस ही नहीं है. अगर ये टाइटली पैक्ड है इसका मतलब क्या होगा, जो इनमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है लाइक वेदर इट्स प्रोटीन और आयंस व्हाट एवर इट इज प्रेजेंट देयर, वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में. यू कैन सी दैट दैट मीन्स वो जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टाइटली पैक्ड है तो स्पेस तो है ही नहीं इनमें, देखो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड है. तो जो इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो कितना बहुत ही कम होता है, लिटिल, और यू कैन से होता ही नहीं है, अगर होगा तो बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं, यू कैन से दैट. सी एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है बेसिकली इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी सिंपल, सी नाम से ही क्लियर है, सिंपल मीन्स जस्ट सो सिंपल मीन्स दैट मीन्स सिंगल लेयर एज यू कैन सी इन दैट स्ट्रक्चर. सो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंगल लेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सेकेंड वन इज कंपाउंड. कंपाउंड मीन्स मल्टी लेयर एज यू कैन सी. ओके, आपको इस स्ट्रक्चर में सिंपली दिख रहा होगा लाइक सिंपल में सिंगल लेयर है और कंपाउंड में कैसा है, मल्टी लेयर. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड, इट्स यू नो जो आपके एपिथीलियल होते हैं ये आपके अवेस्क्यूलर होते हैं, मीन्स नो ब्लड सप्लाई यू कैन सी. ओके, सो लेट्स हैव अनदर आइडिया, लाइक वी आर talked about like simple epithelium. So simple epithelium, as I told you before, you know, it consists of a single layer of cells. Okay, so if it is single layer, so that epithelium will be called or will be known as, you know, simple epithelium. Now the question is kahan kahan par present hota hai simple epithelium. So that lines body cavities, ducts and tubes. That's what you have to remember, because you know in your exam you will definitely got in that question like ki kahan kahan present hai aur jo bhi inki cavities hai, that you have to remember. Okay, then it is based on structural modification of cells.
सिंपल एपिथीलियम जो है वो आपके थ्री टाइप्स का होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल। सी जो ये आपके टाइप्स है ना, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, वो उनकी स्ट्रक्चर शेप के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। सो क्यूबॉइडल एंड कॉलमुलर, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, जो सिंपलेस्ट वन है, ऑल दो सिंपल एपिथीलियम खुद में ही सिंपल है, ठीक है, बट जो उसके फर्दर टाइप्स है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर, एज यू कैन सी। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी लाइक व्हाट इज स्क्वैमस, वेल यू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट बिफोर दैट आपको इसके तीनों के टाइप्स क्लियर होने चाहिए माइंड में, कि कौन कौन से टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट दैट इज यू नो स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ द थिंग इज जो आपको इसमें यू नो याद रखनी है, दैट इज जो इसकी सेल्स होती है वो फ्लैटेंड सेल्स होती है। ओके, एज यू कैन सी फ्लैटेंड सेल्स, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कंसिस्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ होता है। सो इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई। सी आपको रिमेम्बर क्या रखना है इस पॉइंट पे, कि डिफ्यूजन में आपका कौन सा एपिथेलियम इन्वॉल्व है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का भी कौन सा टाइप्स है, दैट इज कौन सा टाइप है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। सी डिफ्यूजन, एज यू नो जो ये डिफ्यूजन वर्ड है, बेसिकली हम गैसेस की टर्म में यूज करते हैं, ठीक है, फॉर वाटर इट्स ऑस्मोसिस, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, सो इट्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ होता है, हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है आपका। जस्ट यू नो लेट्स कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका बाहर की तरफ एटमोसफियर में है ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर है कम, है ना। या यू कैन से कि आपकी जो RBCs हैं, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है कंपैरेटिवली आपके एंटायर बॉडी के, तो वहाँ क्या होगा, आपके लंग्स से शेयर होगा, डिफ्यूज होगा, जो आप देख सकते हो, आप ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होती है इनटू द एल्वियोल्स, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है इन योर एल्वियोल्स, वाइल जो रेड ब्लड सेल्स है वहाँ पर कंटेंट ऑक्सीजन का कम है, तो एक्सचेंज चल रहा है बेसिकली, यू कैन सी दैट। सो जो डिफ्यूजन बाउंड्री है, सो विच टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द डिफ्यूजन बाउंड्री, सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी द एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, सो इट्स स्क्वैमस एपिथेलियम। जस्ट हैव अ लुक द अनदर पॉइंट। सी जो सेकेंड टाइप है, दैट इज क्यूबॉइडल। सी क्यूबॉइडल मतलब यहीं से क्लियर है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एज यू कैन सी, तो इनका क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देन दीज आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ओके, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। दैट मीन्स यू नो यू कैन से कि नेफ्रॉन्स जो है आपके यू नो एक्सक्रीशन में जो भी हेल्प का काम चलता है, जो भी काम है, तो वहां पर कौन सी एपिथीलियम इन्वॉल्व है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। तो इसका बेसिकली है क्या, सो वो कहाँ, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। नाउ जो पीसीटी है, आपको पता होगा एक्सक्रेशन में इन्वॉल्व होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तो वहां पर जो नेफ्रॉन्स है वहां माइक्रोविलाए हैं, सो दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट, कि मुझे याद नहीं करना ऑल दैट। सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स टू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर नीड टू, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने पड़े। लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल एपिथेलियम। ओके, दैट इज कॉलमुलर एपिथेलियम। ओके, दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड स्लेंडर सेल्स। कि अभी तक आपने जो भी इसके टाइप्स पढ़े हैं उसमें कहीं भी कोई टॉल नहीं था, दैट वाज जस्ट लाइक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ओके, या फिर फ्लैटेंड सेल्स इन्वॉल्व थी, बट इन दैट केस इट इज समथिंग यू कैन से कंपोज ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ टॉल सेल्स, एज यू कैन सी देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियाई कहाँ लोकेटेड होते हैं, दैट इज एट द बेस। सो यस, फ्री सर्फेस में हैव माइक्रोविलाए। नाउ द थिंग इज कहाँ ये पाए जाते हैं, सो इट इज फाउंड इन the lining of the stomach and intestine, okay? And functions of the last one, okay, that is cuboidal and the columnar, having same function like that, both are involved in secretion and absorption. So that was ciliated epithelium, and the second structure, you know, that is glandular.
तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, दैट इज जो कि यू नो मॉडिफिकेशन हुई पॉलीमर में. तो दो स्ट्रक्चर कौन से, फर्स्ट वन इज सिलिएटेड एंड सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर. सी सिलिएटेड दैट रिप्रेजेंट सीलिया, स्ट्रक्चर आपका कॉमन है वही है, इधर इट इज इट मे बी यू नो क्यूबॉइडल और कॉलमिनर, बट थिंक क्या है वहां पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, नाम से ही क्लियर है सिलिएटेड. तो सीलिया क्या करेंगे, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे फर्स्ट थिंग, क्लियर. जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. सो सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सर्फेस प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन, जो आपके ब्रॉन्कियोल्स या फेलोपियन ट्यूब्स है वहां प्रेजेंट होंगे आपके यू नो ये सिलिएटेड एपिथेलियम होलो ऑर्गन्स में. तो होलो ऑर्गन्स में कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज योर सिलिएटेड एपिथेलियम. फंक्शन क्या है, एज अ नेम सजेस्ट सीलिया, सो दैट मीन्स दे विल गोना हेल्प इन टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम. एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, ये फेलोपियन ट्यूब पे प्रेजेंट है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्यूरो स्टार्टिफाइड सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम इज देयर. ये जो ये आपको जो प्रॉपर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज समवट यू कैन से सीलिया. सी जो आपके कॉलमिनर या क्यूबॉइडल सेल्स है उसका सेकेंड टाइप है, दैट इज ग्लैंडुलर. ओके, फर्दर ये जो एपिथेलियम है दैट मीन्स यू नो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. ओके, सो सी यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल, कैन से दैट. That means that consists of a globular isolated glandular cells. अब आपको point क्या याद रखना है कि जो goblet cells है या globulate cells है वो कहाँ present होती है, वो alimentary canal में present होती है first. Second thing consist किससे होती है, glandular cells से, वो भी unicellular. Clear? जो आपका second है that is multicellular, that consists of a cluster of cells. ठीक है, मल्टी सेलर मतलब बहुत सारी सेल्स कनेक्टेड है आपस में, ठीक है. तो वो कौन सी सेल्स है, वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है. तो आपके सलाइवरी ग्लैंड जो है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज देयर. ओके, सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट देयर एंड बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, दैट इज यू नो सलाइवरी ग्लैंड. तो यू नो अब आपके पोरिंग के ऊपर, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग कि जो आपके सिक्रेशन है, वेदर इट इज ब्लड और सम अदर थिंग्स, ठीक है, लाइक सलाइवा मिल्क जो भी है आपकी सारी चीजें, वो किस के थ्रू अपने टारगेट यू नो साइट पे पहुंच रही है, उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है आपके बेसिकली दो टाइप्स में. ये दो टाइप्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज दिस वन. ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल डेफिनेटली गेट दैट क्वेश्चन. Okay, the thing that you have to remember here, that is, you know, these endocrine glands are the ductless glands. That means they don't require any duct. Okay, they produce hormones. So hormones कौन produce करता है? Endocrine glands produce करते हैं. That's what you have to remember. As you know, hormones, these are chemical messengers, you know, that are required to maintain. Like if I am particularly talking about कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी grow कर रहा है, बहुत लंबी हाइट है उसकी, और वहीं एक बंदा है जिसकी हाइट बहुत छोटी है. तो अगर आप उसको साइंटिफिकली लेवल में देखेंगे तो आप बोलेंगे यार इसका जो जिसकी यू नो लेट्स से तो जिसकी यू नो हाइट ज़्यादा है, मतलब उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिसकी हाइट कम है मतलब उसमें ग्रोथ हार्मोन रिसेसिव फॉर्म है और यू कैन से वहाँ पर एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं हो रहे तभी उसकी हाइट कम है. तो आपके ब्रेन एक्टिविटी से लेकर हर चीज का इफेक्ट आपके मतलब यू नो हार्मोन्स का इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ और समथिंग एल्स. क्लियर, देन द वेरी फर्स्ट दैट इज यू नो एक्सोक्राइन ग्लैंड. सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे रिक्वायर डक्ट्स, ठीक है, इनको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए जिसके थ्रू ये जाएंगे, दैट मीन्स इनको डक्ट चाहिए, ठीक है. सो दैट मीन्स नाउ द थिंग इज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है दे रिलीज सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स एज आई टोल्ड यू बिफोर. सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवेक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो दीज ऑल आर गेटिंग सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, वाइल जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे आर जस्ट ओनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स. सेकेंड वन वी आर हैविंग इज द कंपाउंड एपिथेलियम. ओके, सी अभी तक आपने जितना पढ़ा दैट वॉज ऑल अबाउट द सिंपल
सिंपल मीन्स जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्ट है, ठीक है। कंपाउंड मीन्स यू कैन से मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, एंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी बिकॉज दे इन्वॉल्व यू नो मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स। नाउ द थिंग इज दैट यू नो इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ दिस कंपाउंड एपिथेलियम दैट इज इन द सिक्रेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। देन दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, तो जो भी आपकी ड्राई स्किन है उसमें कौन सा एपिथेलियम इन्वॉल्व है, कंपाउंड एपिथेलियम। सेकेंड थिंग, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, पेरेंट्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स, तो यहाँ ये इन्वॉल्व है। मतलब सूखे में तो है ही है, बट गीले में भी है, यू कैन से दैट कि मॉइस्ट सरफेस पे भी है वो, चाहे वो आपका बकल कैविटी, आपको पता आपका बकल कैविटी वेट रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ सलाइवा, ओके। देन योर पेरेंट्स, वो भी थोड़ा वेटी सा है, मॉइस्ट सा है, तो वहां पर भी आपका कंपाउंड एपिथेलियम भी प्रेजेंट हो। देन प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो हर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बकल कैविटी में प्रेजेंट है एज अ नो यहाँ पर काइंड ऑफ दिस यहाँ पर आपकी, ठीक है। देन द स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन लाइक मल्टीलेयर्स। तो यू नो नेक्स्ट थिंग दैट इज सेल जंक्शन। सी सेल जंक्शंस यू कैन से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक लेट से ये एक सेल है और एक ये सेल है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, ठीक है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कोई ना कोई लिंक होगा, कोई ना कोई एक एरिया होगा या कुछ जंक्शन होगा जो इन दोनों को हेल्प करेगा, ठीक है, कम्युनिकेट करने में। सो दैट्स व्हाट यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ जंक्शन। Okay, so these are the junctions that provide structural functional link between adjacent cells. Okay, so basically they are of three types: tight junctions, adhering junctions, and gap junctions. Okay, so these are three different junctions. Let's talk about those junctions. So just have an idea like what are those actually. See, very first is the tight junctions. Now the thing is, what do you mean by the tight? See, tight junction, that means, you know, they will gonna help to stop substances from leaking across a tissue. That means itne tightly packed honge, maan lo koi cheez itne tightly packed kar di, to uske andar se kuch leakage nahi hoegi. So basically inka kaam kya hai, ye leakage ko prevent karte hain, tight junctions to hote hain. Okay, so tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. Second is adhering junctions. They perform cementing to keep neighboring cells together. Okay? ये जैसे दो cells हैं, तो इन दोनों cells को connect किसने करा आपस में? Adhering junctions हैं, ठीक है? कौन से junctions involved हैं? Adhering junctions. As you can see, ये दो cells हैं, ये आपस में connected जो है, that is because of adhering junctions. Okay? Tight junctions क्या थे? इतने tightly packed हैं, as you can see these points. ये क्या कर रहे हैं? ये प्रिवेंट कर रहे हैं लीकिंग को, ठीक है, लीकेज को प्रिवेंट कर रहे हैं, यू कैन से दैट। नाउ द थर्ड वन, द जंक्शन दैट वी आर हैविंग इज यू नो द गैप जंक्शंस, ओके, दैट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो आपस में, ठीक है, वो अपना जो सिक्रेशन है यू नो एक्सचेंज कर सके, उसमें हेल्प कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग। कैसे कर रहे हैं? बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग। तो बेसिकली अगर इस सेल से इस सेल में कुछ जा रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन। ये एडहेरिंग जंक्शन ने सिर्फ कनेक्ट कर रखा है, सीमेंट कर रखा है ताकि जुड़ के रहे, इनमें कोई गैप ना आए,